ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान को 2100 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। जयपुर में केंद्र और राजस्थान सरकार की 12 प्रमुख योजनाओं के लाभार्थियों से जनसंवाद के दौरान उन्होंने 13 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने राज्य सरकार के विकास के कामों की जमकर तारीफ की। आपको बता दें कि इस साल के अंत में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं। जयपुर के मशहूर अमरूदों के बाग की इस जनसभा में जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिमोट का बटन दबाया, एक के बाद एक 13 विकास परियोजनाओं की सौगात राजस्थान को मिल गई। प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं का शिलान्यास करने के बाद मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की जमकर तारीफ की और सरकार के किए कामों को एक एक कर गिनवाया। 32 करोड़ गरीबों के बैंक खाते खुले हैं, उनमें से 2.5 करोड़ से अधिक जनधन खाते राजस्थान में खुले हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत और पहले की योजनाओं को पूरा करके राजस्थान के 6 लाख से अधिक गरीबों को घर देने का काम भी किया गया। जनधन, मोबाइल और आधार, इनके माध्यम से सुनिश्चित किया कि पूरा का पूरा पैसा, जनता का पूरा पैसा बिना लीकेज के उस लाभार्थी के अकाउंट में पूरी तरह से पहुंचा। प्रधानमंत्री ने इस जनसभा में 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के लक्ष्य को दोहराया। उन्होंने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि भारत में 5 करोड़ लोग गरीबी से मुक्त हुए हैं। कि भारत में बीते 2 वर्षों में लगभग 5 करोड़ गरीब के कुचक्र से बाहर निकल गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 साल पहले कांग्रेस के नेताओं के नाम पर पत्थर जड़ने की होड़ मची हुई थी, लेकिन अब योजनाएं अटकती, लटकती या भटकती नहीं हैं। उन्होंने कांग्रेस की नियत पर सवाल उठाए। कांग्रेस को आजकल कुछ लोग बैलगाड़ी बोलने लगे हैं। बैलगाड़ी नहीं, बेलगाड़ी। प्रधानमंत्री ने सेना की क्षमता पर सवाल उठाने वाले राजनीतिक दलों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ये पाप है और जिनको परिवार की राजनीति करनी है वो करें, हमारी नीतियां राष्ट्र निर्माण के लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल के अंत में होने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए इस रैली के माध्यम से जनता को साफ संदेश दिया है कि केंद्र और राज्य की सरकार जनता के हितों के लिए भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने की पिछले 4 साल से लगातार कोशिश कर रही है। और साथ ही साथ उन्होंने जयपुर की रैली से कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए भ्रष्टाचार के लिए उनको सबसे बड़ा जिम्मेदार बताया। जयपुर से कैमरामैन अनिर्माण साधु के साथ रविंद्र सिंह शोराण।